नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का इस खूबसूरत सुबह में सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, सुंदर सुवाक्य से हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जो हमारे जीवन को प्रेरित करने वाला होता है। एक बार एक छोटा सा बच्चा डॉक्टर कलाम के पास पहुंचा और कहा कि मैं बिल्कुल आपकी तरह बनना चाहता हूं, आपको कॉपी करना चाहता हूं। ऑटोग्राफ लेने गया था। बच्चे को ऑटोग्राफ देने के बाद कलाम जी ने कहा, बेटा अपनी एक अलग पहचान बनाओ। कॉपी करना अच्छी बात है, लेकिन ऐसे बनो कि लोग आपको कॉपी करें, आपसे प्रेरित हों। ओरिजिनल की वैल्यू जेरोक्स से कहीं ज़्यादा होती है। सचमुच कितनी सुंदर सी बात है ना। और ऐसी ही सुंदर प्रेरित करता हुआ सुवाक्य आज हम सुनने जा रहे हैं। आइए सुनते हैं आज का सुंदर सुवाक्य। नकल में सफल होने से बेहतर है मौलिकता में असफल होना। हरमन मेलविले। साथियों, मुझे हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं ईश्वर की बनाई एक मौलिक रचना हूँ। मैं और मेरी क्षमताएं अद्वितीय हैं और मुझे यहाँ एक उद्देश्य के लिए भेजा गया है। जब मैं यह भूल जाता हूँ तो मैं दूसरों को देखने लगता हूँ और अपनी तुलना दूसरों से करने लगता हूँ, जो प्रतिस्पर्धा को जन्म देते हैं। अपनी मौलिकता में स्थिर होने के लिए बस एक विचार ही काफी है। मैं एक आत्मा हूँ और मैं परमात्मा की संतान हूँ, और परमात्मा को याद करके मैं अपनी मौलिकता को पुनः प्राप्त कर सकता हूँ और एक श्रेष्ठ जीवन जी सकता हूँ। मित्रों, सुंदर सुवाक्य जो हमारे मन को तंदुरुस्त करता है, उसके बाद अब आपको लिए चलता हूँ तन की तंदुरुस्ती की ओर, क्योंकि दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं हमारे जीवन को खुशहाल बनाए रखने में। और आज हम बात करेंगे शारीरिक व्यायाम की। यदि आप व्यायाम करते हैं तो अपने आप को चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त महसूस करते हैं, और 60 की उम्र में भी आप अपने आप को 30 का पाते हैं। एक डॉक्टर को मैंने कहते हुए सुना था कहीं कि यदि आप 30 मिनट या 45 मिनट व्यायाम नहीं करते हैं तो आपके जीवन से वो 30 या 45 मिनट माइनस हो जाते हैं। तो बेहतर तो यही है कि आप व्यायाम करके जीवन का आनंद लें, या फिर उन लम्हों को अपने जीवन से माइनस करते जाएं। महत्वपूर्ण सी बात है मित्रों, हो सकता है प्रेरित करने के लिए कहा हो, लेकिन आप भी इस बात का अनुभव करते होंगे कि ये सचमुच हमारे जीवन के लिए बेहद आवश्यक है। तो आइए, आपकी सेहत आपके हाथ में, आज सुनते हैं शारीरिक व्यायाम की महत्ता के बारे में। ओम शांति। स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक व्यायाम बहुत जरूरी है। फिजिकली एक्टिव रहना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, जैसे वॉकिंग है, स्विमिंग है, जॉगिंग है, कुछ योगिक क्रियाएं भी है, और ये किसी के लिए भी टाइम ना मिले तो डांसिंग भी एक प्रकार का व्यायाम है। अब कितना करना है? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सप्ताह में कम से कम 4 दिन हमें व्यायाम करना चाहिए। कितना समय करें? रोज कम से कम 20 मिनट्स व्यायाम के लिए देना जरूरी है, और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा अगर यंग एज है तो 60 मिनट्स, मिडल एज है तो 40 मिनट्स, और ओल्ड एज है तो 30 मिनट्स व्यायाम कर सकते हैं। तो इस तरह से सप्ताह में अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम के लिए समय देना आवश्यक है। ओम शांति। तो व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के सुंदर संकल्प के साथ आइए अब बढ़ते हैं स्पिरिचुअल इंडिया की ओर। हमारी देश की महानता, हमारे देश की गौरव गाथा जन जन गाता है। देशवासी तो गाते ही हैं, लेकिन विदेशों में भी भारत अपने लिए एक विशेष स्थान रखता है, और कारण है यहाँ के अलग अलग
प्रांतों की जो विविधता है, संस्कृति है, कला है, दर्शन है, साथ ही एक सुंदर सा इतिहास है, वो इस देश को महान बना देता है। आज आपको हम लिए चल रहे हैं एक ऐसे प्रदेश की ओर जो महान राष्ट्र है। जी हाँ, समझ गए होंगे आप, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, जहाँ शिवाजी महाराज ने जन्म लेकर सभी को प्रेरित किया स्वतंत्रता के लिए, स्वराज्य के लिए। एक ऐसा प्रदेश जहाँ बहुत सारे ऋषि मुनि और संत हुए, जिन्होंने एक आध्यात्म की सुंदर लहर पूरे देश में ही फैलाई, जहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को स्वतंत्र कराया, जहाँ गणपति बप्पा की बहुत सुंदर सी धुनि होती है और उन्हें सभी अपने दिल में बसा कर रखते हैं, और जहाँ सपनों का शहर, आर्थिक राजधानी मुंबई भी है। तो आइए चलते हैं महाराष्ट्र की ओर, उसकी सुंदर कला संस्कृति के दर्शन करते हैं। महाराष्ट्र कई फ्रीडम फाइटरों का घर रहा है, जैसे बाल गंगाधर तिलक, विनायक सावलकर, गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नावरोजी। वहीं परमपिता परमात्मा शिव बाबा के 12 में से 5 ज्योतिर्लिंग भी महाराष्ट्र में स्थित हैं, जिनके नाम हैं त्र्यंबकेश्वर नासिक में, वैजनाथ प्राली में, नागेश्वर अयुंद में, कृष्णेश्वर वैरुल में और भीमशंकर पुणे में। वहीं पूरी दुनिया के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक शिरडी साई बाबा मंदिर भी इसी राज्य में स्थित है। इसके साथ साथ प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह भी हमें यहाँ देखने को मिलती है, जिसे 1431 में सैयद हाजी अली द्वारा बनाया गया था। यहाँ गणेश चतुर्थी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इसके अलावा गुड़ी पर्व, पोला, नराली पूर्णिमा, एलिफेंट फेस्टिवल, एलोरा फेस्टिवल बड़े हर्ष और उल्लास के साथ यहाँ मनाया जाता है। यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं लवानी, तमाशा और कोली। वहीं सभी मराठाओं के दिल में बसे वीरों के वीर छत्रपति शिवाजी का जन्म भी महाराष्ट्र में ही हुआ। वहीं ब्रह्म कुमारी संस्था की आदि रतन रही आदरणीय दादी ब्रिजिंद्रा जी ने शिव बाबा का संदेश लाखों करोड़ों आत्माओं तक पहुंचाने की सेवा दी, तथा संस्था का मानव को देव बनाने का कार्य पूरे महाराष्ट्र में कुशलता पूर्वक चल रहा है। तो ये थे दोस्तों महाराष्ट्र से जुड़े कुछ अनूठे पहलू। मित्रों, सत्य की, ईश्वर की तलाश सदियों से हम सबको रही है। अब भी हम चाहते हैं कि हम उन्हें पालें, लेकिन ठिकाना कहाँ है, कहाँ उन्हें ढूंढा जाए या पाया जाए, इस पर हम सोचते तो हैं लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। क्या हमारा जो पथ है, क्या हमारी जो कोशिश है, वो सही है? इसी पर मुस्लिम संत राबिया जी के प्रसंग को लेकर आज हमारे बीच हैं प्रोफेसर राजीव शर्मा जी। आइए जरा उन्हें भी सुने। सभी देखने सुनने वालों को प्रोफेसर राजीव शर्मा का सादर नमस्कार। एक मुस्लिम महिला संत हुई है, नाम है राबिया। एक बार राबिया मस्जिद के सामने की सड़क पर कुछ ढूंढ रही थी। मस्जिद से नमाज पढ़कर आते हुए लोगों ने पूछा कि सड़क पर क्या ढूंढ रही हो राबिया? तो राबिया ने कहा, मैं सुई ढूंढ रही हूं। तो मस्जिद से आ रहे लोगों ने राबिया को कहा कि सुई गिरी कहां थी, गुमी कहां थी? राबिया ने कहा कि सुई तो किचन में गिरी थी। तो मस्जिद से आ रहे लोगों ने प्रश्न किया कि जब सुई किचन में गिरी थी तो तू उसे यहां सड़क पर क्यों ढूंढ रही है? तो राबिया ने बड़ा खूबसूरत उत्तर दिया। राबिया ने कहा कि आप भी तो अल्लाह को बड़ी बड़ी मीनारों में, मस्जिदों में, ऊंची ऊंची जगहों पर खोज रहे हो, जबकि वो रहता तो दिल में है। नमस्कार। ईश्वर को हम कहाँ ढूंढें, वो कहाँ मिलेंगे, ये एक विचारणीय बिंदु हमें प्राप्त हुआ।
सचमुच सदियों से हम प्रयासरत हैं ईश्वर को जानने पाने पहचानने के लिए, लेकिन प्रयास निष्फल ही रहे हैं। लेकिन एक खुशखबरी ही है कि 1936 से लेकर के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ये सत्य ज्ञान सबको देता चला आ रहा है कि ईश्वर कौन है, कहाँ रहते हैं और कैसे आप उनसे अपना नाता जोड़ के अपने जीवन को सुख शांति से भरपूर कर सकते हैं। पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में भी हम प्रतिदिन आपको दिखाते हैं कि ये विश्वविद्यालय कैसे कैसे कहाँ कहाँ अपना ये सुंदर कार्य कर रहा है। आइए देखते हैं। बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर से। एसीकॉन 2021 द एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया के 81वें वार्षिक उत्सव पर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें भारत के कई नामचीन डॉक्टर शामिल हुए। कॉन्फ्रेंस के दौरान एएसआई के पूर्व प्रेसिडेंट बीके डॉक्टर अशोक आर मेहता को एएसआई लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। एलआईसी के गुरुग्राम स्थित जोनल ट्रेनिंग सेंटर में कर्मचारियों के लिए सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप विषय पर वर्कशॉप आयोजित की गई, जिसमें गुरुग्राम के पालम विहार सेवा केंद्र की प्रभारी बीके उर्मिल मुख्य वक्ता रहे। उन्होंने कर्मचारियों को आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनने के लिए प्रेरित किया और कई कारगर युक्तियां भी बताई। राजस्थान के भीलमाल सेवा केंद्र एवं ग्लोबल नेत्र अस्पताल आबू रोड के संयुक्त तत्वाधान में 121वां विशाल नेत्र चिकित्सा एवं मोतियाबिंद जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मोतियाबिंद के कई मरीजों का चेकअप किया गया। नई दिल्ली के मालवीय नगर में स्थित मदन मोहन मालवीय हॉस्पिटल के मेडिकल स्टाफ के लिए एक सेशन रखा गया, जिसमें ब्रह्म कुमारी संस्था की ओर से मालवीय नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति पहुंची। वहीं लोधी रोड सेवा केंद्र ने 78वीं साप्ताहिक ई कॉन्फ्रेंस की। इसका विषय रहा आशा और विश्वास के साथ एक नई शुरुआत। इस कॉन्फ्रेंस में भारतीय नौसेना के कमांडर शिव सिंह, जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष, सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा ने अपने विचार रखे। मॉस्को सेंटर पर न्यू ईयर का ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ, जिसमें रशिया के बीके सदस्य फेमस द लिविंग फेरी टेल के पात्र बने। कोई बना सिंड्रेला तो कोई बना पिनोकियो, जहां मॉस्को के निदेशिका बीके सुधा ने खेल खेल में जिंदगी को खुलकर जीने के कई कारगर उपाय बताए। हमें न्यूज भेजने के लिए peacenews@godlywoodstudio.org पर मेल करें। पीस न्यूज बुलेटिन और हमारा नया कार्यक्रम सबरंग देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पीस न्यूज गॉडलीवुड को सब्सक्राइब करें। मित्रों, कहते हैं कि कौन कहता है कि खुदा दिखाई नहीं देता, सिर्फ वही तो दिखाई देता है जब कुछ और दिखाई नहीं देता। सचमुच जब कोई हमारे आसपास नहीं दिखता, विपदा में, परिस्थितियों में, परेशानियों में सब दूर भाग गए होते हैं या हमें कुछ सूझ नहीं रहा होता है, तब केवल ईश्वर अल्लाह ही तो हमें दिखाई देते हैं। मदद के लिए हम उनकी ओर ही देखते हैं और वो भी हमें कभी निराश नहीं करते। क्या हम केवल विपदा आपदा परिस्थितियों में ही उन्हें याद करें? क्यों ना जीवन के हर लम्हे में हम उन्हें शामिल करें, तो जीवन में कभी आपदा विपदा आएगी ही नहीं। तो आज सारे दिन और जीवन में एक संकल्प जरूर रखें, हम हर पल उन्हें साथ रखें, उनकी छत्र छाया में रहें, तो जीवन सचमुच खुशहाली से भरपूर हो जाएगा। तो आज आपका पूरा ही खुशहाल बीते इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।